कुछ टॉपर से देख लेगा कि हमें कुछ नहीं आता। हाय गाइस, साथ में फ्री डकार, ये फैमिली बना रहे हैं हम। मगर भी सिखाया तू रहने दे। गाइस ऑफ कोर्स दिस हैड टू हैपन, मैं होती ना तो पकड़ पकड़ के मार। वाह, ऐसे माय होनी चाहिए। आज देखा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है एवर लाइफ का, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? कुछ नहीं फील हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि बोर्ड चल रहे हैं। अभी शुरू नहीं आया क्योंकि आज फर्स्ट बोर्ड है। तो जाएगा वहाँ पे, देखेगा क्या तेरा सेंटर है, वहाँ पे कितने सारे बच्चे बाहर खड़े होंगे, सब बात करेंगे, कुछ बहुत पड़ाकू लग रहे होंगे, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। कुछ टॉपर से देख लेगा कि हमें कुछ नहीं आता, पेपर देख के अपने आप सब सही हो जाता है, सब खराब हो जाता है। That depends कि आपने पढ़ाई करी है कि नहीं। करी और क्या? मैं यहाँ पे राइटर्स के नाम भी याद कर रहा हूँ, देख, पोएट्स के साथ साथ। चलो, ऑल द बेस्ट, एंड इसी के साथ सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनके पेपर हैं, डू वेल। हाय 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 गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूपर लाइफ। हम आजकल बहुत इनोवेटिव वे से हाय किया करेंगे इन एवरी वीडियो, बिकॉज थोड़ा चेंज होना चाहिए ना। तो मैं जिम से आ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, स्क्वीकी क्लीन। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रंच बनाने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी पैनकेक्स। सॉरी अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन की आवाज आए, बिकॉज मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ इनसे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही होती है। आउट ऑफ नोवर इतनी सारी आवाज आना शुरू हो जाती है, मैं डर जाती हूँ कि एकदम से क्या हो गया। सॉरी फॉर दी ओवर एक्टिंग। मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग का दिन कैसा जा रहा है। आज की वीडियो बहुत फन होने वाली है, मैं घर पे ही हूँ बट मैंने बहुत कुछ फन सोच रखा है जो हम इस वीडियो में कर सकते हैं, जिससे आपका दिन थोड़ा हैप्पी हो सकता है और मेरा दिन भी थोड़ा हैप्पी हो सकता है। लास्ट व्लॉग भी आप लोगों ने नहीं देखा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लास्ट व्लॉग कितना अच्छा है गाइज, प्लीज देखो अगर आपने जाके नहीं देखा, ये मैं यहाँ पे डाल दूंगी। सो मेरी बहन आई हुई है, जिन लोगों को नहीं पता है, इट इज तनु, जो मेरी रियल बुआ की बेटी है, वेरी क्लोज टू हर। एंड आज हम लोग मिल के पैनकेक्स बनाएंगे, ऑल्सो आज थोड़ा कम्फी फूड भी खाएंगे हम लोग शाम को। चलो पैनकेक्स बनाते हैं। देखो कौन आया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्लूपर लाइफ। 1.5 कप मिल्क, साथ में फ्री डकार, 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, लेमन जूस भी डाल सकते हैं आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो। 1 प्लस 3/4 आटा डालेंगे इसमें, वैसे आप मैदा भी डाल सकते हैं बट हम हेल्दी बना रहे हैं तो हम आटा डालेंगे इसमें। अब मुझसे गलती हो गई है, ऑब्वियसली मैं हूँ तो गलती तो होनी ही थी। ये आटा और बाकी सब ड्राई इंग्रीडियंट्स हमने अलग से करने थे मिक्स, पर मैंने इस वेट में ही डाल दिया। आप लोग ये गलती मत करना, मिल्क और विनेगर अलग बोल में करना और ड्राई इंग्रीडियंट्स को अलग बोल में करना, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे इसमें मिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग रहा है इसका लुक। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 कप जैगरी पाउडर, 1/4 कप मेल्टेड बटर, 1/3 कप गरम पानी। नाउ लेट्स मिक्स दिस। मिक्सिंग ड्यूटी पे तनुजा ठाकुर है, बिकॉज इससे तो नहीं हो पाएगा इतना झमेला। स्पीड देख रहे हैं आप, ये एक्सपीरियंस, डबल ट्रिपल नहीं कर रखी स्पीड, ये नॉर्मल हाथों से चल रहा है। पैन में बटर लगा लिया, एस्थेटिक नहीं है ये, गोल नहीं बनेंगे हमारे। अभी हम इसको थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं, काफी थिक मिक्सचर है। अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये कितने बबल्स आ गए हैं इसमें, अब हम इसको कर लेते हैं फ्लिप प्लीज। ये देखो खूबसूरत, ऐसे थोड़ी देर हम दूसरी साइड भी पका लेंगे इसे, और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ऑल थ्रू द टाइम, वरना वो जल जाएगा या फिर उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो हाई फ्लेम आपने एक बार भी नहीं करनी है। ने इसको थोड़ा और मिक्स कर लिया तो थोड़ा वॉटरी सा बन गया है, देखिए कैसे गोल एकदम। हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, ऐसे ही होता है एक्चुअल में। यहाँ से ऐसा होना स्टार्ट हो गया, मेरे पकने लग गया। अब हम इसे पलट देंगे। ये आटे के पैनकेक हैं तो इसका कलर इतना डार्क आया है, अगर मैं देखा जाए तो इतना डार्क कलर नहीं आता यहाँ पे। कुछ सुंदर पैनकेक्स भी मिलेंगे अगर आप आटे से बनाएंगे, सुंदर और हेल्दी दोनों। आवाज सुन लो कितनी अच्छी आ रही है, ये है टेस्टीनेस की आवाज है। ये तनुजा ठाकुर मिनिएचर कुकिंग से इंस्पिरेशन लेती हुई बिल्कुल छोटे छोटे पैनकेक बना रही हैं। ये फैमिली बना रहे हैं हम, मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स और उनके बच्चे। आपने एंजॉय करके खाना, मेरे बनाए पैनकेक्स इतनी खुशी से खाता है जो शेफी अप्रूव्ड।
ये मैंने अलग से एक सॉस बनाई है, ऑप्शनल अगर आप बनाना चाहें तो। इसमें मैंने मिल्क चॉकलेट और बटर को मिक्स करके मेल्ट किया है, तो बहुत ही टेस्टी बनी है। ये तो कम्प्लीटली हेल्दी पैनकेक्स हैं ही, मैंने उसमें बनाना ऐड कर दिया। हम स्ट्रॉबेरी ऐड भी कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि आप एक बाइट लें विद द बनाना इन पैनकेक एंड डिप इट इन दिस सॉस एंड देन टेल मी द एग्जैक्ट टेस्ट। या हम लोग तो वैसे भी बनाते बनाते भी खाई जा रहे थे बीच बीच में, तो हमारे को ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। ढेर सारी चॉकलेट लेते हुए बिल्कुल भी हेल्दी ना बनाते हुए, नहीं हम बिल्कुल डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। चलो खाओ खाओ, टेस्ट टेस्ट दो। बढ़िया, बहुत अच्छा। विन डू ट्राई दिस रेसिपी। कैसा हुआ? सारा भी जाता है। मैंने मम्मा को बोला कि सवेरे सवेरे मम्मा की दही चीनी काम आ गई। उधर भी कपड़ा चेंज करके आ चुका है, तो उससे भी टेस्ट टेस्ट ले ही लेते हैं। ड्रामे। मेरे आपने तो गॉर्डन रैमजी को सिखाया, आपका तो क्या ही लेवल है सर। मैंने गॉर्डन रैमजी की मम्मा को भी सिखाया तो जी जी जी। अब खा लिया है और रिएक्शन ले लिया है, तो अपडेट ये है कि मैं रील शूट करने वाली हूँ। बिहाइंड द सीन्स दूंगी मैं आपको कि मैंने कैसे शूट किया और क्या सेटअप रहता है। गेट रेडी विद मी भी करके दिखाऊंगी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। आई डोंट नो आप इंटरेस्टेड है मेरा मेकअप वाला पूरा वो देखने में या नहीं, अगर आप हैं तो मुझे बताना, तो मैं पूरी वीडियो उस पर अलग से भी बना सकती हूँ। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू डू दैट। बट अभी मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ, इसलिए 20 मिनट का नैप लेने वाली हूँ। 20 मिनट का नैप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट टू हैव अ नैप, एंड काफी एनर्जाइज हो जाता है उससे। गाइस ऑफ कोर्स दिस हैड टू हैपन। आई एंडेड अप स्लीपिंग फॉर 1.5 आवर। फोन साइलेंट पे था। ओके नो प्रॉब्लम, हम बहुत फास्ट करेंगे। फेस मॉइस्चराइज कर लिया। मेकअप करने से पहले मैं अपने लिप्स पे लिप बम लगा लेती हूँ और उसके ऊपर ही लिपस्टिक लगाती हूँ, बिकॉज डायरेक्टली लिपस्टिक लगाना मैं पसंद नहीं करती, लिप्स थोड़े ज्यादा खराब हो जाते हैं। सो दैट इज माई मेकअप ट्रिक। ऐसी और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अगर आप गेट रेडी विद मी वीडियो चाहेंगे तो। बेस इज डन, प्राइमर कंसीलर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट सब हो गया है। कलर लाते हैं अपनी शक्ल पे, बहुत ही चिटड़ा हो गया एकदम से। मेकअप इज डन, मैंने बहुत मिनिमल मेकअप किया क्योंकि जो रोल मैं प्ले करने वाली हूँ इसलिए बहुत मिनिमल मेकअप चाहिए। एंड आई एम रेडी। लेट मी नो अगर आप लोग पहचान पा रहे हैं कि मैं किसका रोल प्ले कर रही हूँ। या लेट गो शूट। शूट इज डन, रील अपलोड भी कर दी है। आप लोग जाके रील भी देखना और कमेंट करना और लाइक करना और वहां पे मेंशन भी कर देना कि हम यूट्यूब से आए हैं ये देखने के लिए। तो ऑर्डरिंग डन हो चुकी है। ये क्यों ऑर्डरिंग हुई है इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी जब वो रीजन नीचे चल के आएगा। बर्गर ऑर्डर किया है उधर ने आज और पार्टी करने वाले हैं हम। ये जवानी है दीवानी देखेंगे बिकॉज प्रोबेबली वो नेटफ्लिक्स से जाने वाली 27 को, तो फेवरेट मूवी है तो ट्रिब्यूट देना तो बनता है। दीपिका इज सेट हियर। ये है वजह कि ये हुआ, बिकॉज दिस वुमन इज गोइंग टू पार्टी विद हर फ्रेंड्स। हम लोगों को छूट मिल जाती है कि हम भी ओके थैंक यू कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बाबू के, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हूं मैं जो है। ओके डन। तो हम लोगों को भी फ्री पास मिल जाता है कि हम भी ऑर्डर कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। अगर मदर पार्टी करने जा रही है तो बच्चों का पार्टी करना भी बनता है। वाह ऐसे माए होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द सीन लुक्स लाइक। ये उदय ने दो बाइट्स ले लिया यहाँ से, बड़ी बड़ी पिज्जा, बड़ी बड़ी खाए, छोटी छोटी होती है मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत छोटी। ओके श्योर। और सामने खिंचवानी है दीवानी। कम्फी डे, कम्फी फूड। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। मेरा प्लान था पहले कि मैं अपना नाइट टाइम मसाज रूटीन दिखाऊंगी, बट आई थिंक इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट हो गया अलग अलग टाइप्स का, तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। लेट मी नो आपको सब चीजें सब एलिमेंट्स कितने अच्छे लगे। आई वुड एब्सोल्युटली लव योर फीडबैक ऑफ कोर्स। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के फेस पे एक स्माइल आई होगी। अगर ऐसा हुआ सो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी कर दो, फिर क्या हुआ अगली वीडियो पसंद आ जाएगी। सो अंटिल देन हैव अ blooper life.